there is. It's there. It's not a owl, it's leopard. Yeah. जंगल है यहाँ पर, कोई चुड़ैल गिर गई है, ऐसी चीजें होती नहीं है, मगर तब भी लाइक आप इमेजिन करके देखो, हम लोग पेड़ पे जा रहे हैं, सामने पेड़ पे से कुछ चुड़ैल गिर गई एकदम, तो जो चुड़ैल गिर जाएगी ऊपर से तो आधी सवारी यही हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो अभी हम लोग यहाँ से चेकआउट करने वाले हैं, रेट नंबर 2 है और आपका मैं दिखा देता हूँ आपको, ये स्टे है और ये इधर का वॉशरूम है। तो अगर ऐसे भी यहाँ पर कर देते हैं, हम लोग चेकआउट करने वाले हैं और ये हम लोग रेडी हो चुके हैं, बस अभी लगाना है अपना यहाँ से जगह बाहर जाने के लिए आपका, और एक फैमिली के लिए सही है, सफिशिएंट है। ये किचन है, अगर थोड़ा बहुत बनाना आपको कॉफ़ी चाय, हम लोगों ने कॉफ़ी चाय बनाई थोड़ी देर पहले, तो वही था, ये सब कुछ अवेलेबल करा देंगे। फिर निकलते हैं फिर काकानाकोट सफारी के लिए और वहाँ पे देखते हैं, फिर 6:30 टाइमिंग है उसका, निकलते हैं हम लोग क्योंकि हम 6:30 पे निकल जाएंगे यहाँ से। मिलते हैं फिर मोटो ब्लॉग, निकलते हैं भाई लोग अभी टू मोटो ब्लॉग। हेलो भाई लोग, अभी हम लोग निकलते हैं सफारी के लिए काकानाकोट। रात हो रही है तो हम लोग मैसूर में इस समय, और अराउंड 86 किलोमीटर है यहाँ से जहाँ पे हमारा स्टे है। रास्ते में बस और क्या, फिर मिलते हैं आपको हाईवे की तरफ जो पड़ेगा बीच में। गाड़ी में पेट्रोल डाल तो है अभी, भाई लोग चुप का क्योंकि रास्ता बड़ा प्यारा है, मस्त लग रहा है रास्ता एकदम बिल्कुल। तो ये मैसूर है, जब मैसूर से काकानाकोट गेट जाते हो आप तो ये रास्ते में पड़ता है। चलिए फिर आगे और मिलते हैं। ये किन्हीं का स्मारक है उनके नाम पे आई थिंक। इतना बताए कोई, हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं काकानाकोट सफारी गेट के लिए और फिर 2.5 किलोमीटर रह गया। तो गाइस हम लोग काकानाकोट गेट आ चुके हैं, आप देख सकते हो ऊपर की तरफ, ये राजीव गांधी नेशनल पार्क है और ये एंट्रेंस है इसकी, और ये रहा आपका, ये दिखाता हूँ मैं आपको मॉर्निंग व्यू, ये देखो जस्टिस हो नहीं पा रहा होगा लेकिन जो मॉर्निंग व्यू है वो अल्टीमेट है। हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और बाइक पार्क तो कर दी लेकिन काफ़ी जल्दी आ गए हैं, और ये साथ में विवेक है। विवेक कैसा लगा तुमको रास्ते में? भाई अगर एक बात बोलूँ ना, अकेले मत आना, जब तक आपके साथ दो फ्रेंड हो या ग्रुप हो तभी आना, अकेले राइड करना मेरे हिसाब से थोड़ा सेफ नहीं है। हाँ वैसे उसके अकॉर्डिंग, वरना ग्रुप में आओगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे रास्ते में पूरा एकदम फॉरेस्ट डिवीजन कुछ पड़ता है, तो कर्नाटका फॉरेस्ट डिवीजन है, तो जब वहाँ से निकलोगे आपको तो इस समय खासकर वीकडेज है एक। हाँ। बात ये और है क्योंकि आज फ्राइडे है, तो होता क्या है कि आपको बहुत ही कम रश मिलेगा, ये समझ लो आप खुद देख लो वीकेंड में बस सिर्फ ये दो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, अगर आपको दिख पा रही हो तो, एक यारी गाड़ी खड़ी है एक वहाँ पर खड़ी हुई है, बाकी पूरा रास्ता भी खाली है एक्चुअली। तो जब पूरा रास्ता खाली तो समझ सकते हो आप कि अभी अच्छा खासा मतलब कि रश नहीं है यहाँ पर, वीकेंड पे होता रहे, और इसी कारण ही आपकी सफारी जो होती है वो 6:30 to 9 होती है, 2 hours 30 minutes के लिए, लेकिन वीकेंड पे आपका 1 hour 30 minutes होती है। तो भाई लोग हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और अभी ये जो हम लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग की हुई थी, लेकिन अगर आपको कैमरा चाहिए, आपके पास कैमरा है तो प्लीज़ टिकट ले लीजिए इसकी, आपके आपका 250 rupees है एटलीस्ट, और डिपेंड ऑन लेंस भी होता है आपका। और बाकी ये है शॉप, दिखा देता हूँ यहाँ पे शॉप है, तो और ये हमारे को नंबर मिला हुआ है 3091, जो कि लेफ्ट मोस्ट जो है आपका ये बस उसमें जाएंगे हम लोग, बाइक कुछ लोग इसमें भी जाते हैं आपका ओपन जीप, जो आपको हाँ जो आपको कबीनी रिवर लॉज में जब आप महाराजा पैकेज लेते हो तभी जाते हो, वरना आपको नहीं मिलेगा। ये डॉर्मेटोरी में मैं गया हुआ था लेकिन मिली ये बस ही थी, तो मेक श्योर कि आपको पता हो पहले से ही। मोदी जी भी बहुत ही प्यारा व्यू है सीरियसली,
और यहाँ पे ये लगी है क्यू। 50 रुपए रह गए हमारे अभी, तो जब भी आप आओ यहाँ पे तो कैश लेकर आओ, और हो सके तो आपका चेंज भी लेकर आओ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो भाई लोग ऑल सेट टू गो, बस अभी थोड़ी देर में हम लोग सफारी के निकलेंगे। अगर लगा भी देख मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बस इटावा लाइन सफारी जैसा ना हो वो हुआ नहीं, पर मतलब किसी कुछ भी अच्छा डेफिनेटली मिलेगा देखने के लिए जो हम लोग देख नहीं पाते ज़्यादातर। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या मिलता है, देखने आपको दिखाएंगे भी देखेंगे। गए भी थे और जो ड्राइवर है उस 0091 वाले ड्राइवर जो थे आज के दिन उन्होंने अच्छा खासा पूरा ट्राई किया था। ओके, लक होता है पूरा इसमें, सफारी में पूरा लक ही होता है। तो हम लोग अभी वापस आ चुके हैं और यहाँ से थोड़ा होते बाइक पर खड़ी हुई है, यहाँ पे रिफ्रेशमेंट करने के बाद हम लोग निकलेंगे आपके कोरेकल राइड करने के लिए जो कभी नहीं बैक वाटर में होता है। तो वहाँ पर कोई लक वाली बात नहीं है, वहाँ पर सिर्फ आपका एक कोरेकल होता है तो वहाँ पर राइड कराते हैं। तो देखते हैं एक बार जाके, लास्ट टाइम मैंने किया था फैमिली के साथ, इस बार भाई के साथ करता है और फिर निकलते हैं। एक अच्छी सी लेपर्ड सेटिंग होने के बाद हम दोनों भाई लोग जाते हैं आपके कबिनी बैक वाटर, लोकेशन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी आपको, और वहाँ पे होती है कोरेकल राइड। तो एंजॉय करिए अच्छे से, कुछ होंगे बट इस सारे कंपनी बैक वाटर है तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं सर, तो वहीं आपको दिखाते हैं कि कैसे कोरेकल राइड है कैसे क्या है। बने रहिए ब्लॉग में, आपको अच्छा लगेगा। दिखाता ये कि यहाँ पे आपका बैक वाटर का है, तो उधर चलते हैं हम लोग अंदर और फिर देखिए रास्ता। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये पता लगा तो ये 4.8 किलोमीटर लिखा हुआ है यहाँ पर रेड अर्थ, तो जब आप इसके अंदर जाओगे तभी आपको मिल पाएगा। तो वहाँ पे कोरेकल राइड होती है और व्यू बहुत ही प्यारा लगता है सीरियसली, खासकर इवनिंग टाइम पे हम लोग थे तो बहुत ही प्यारा व्यू था। तो फैमिली के साथ जो वीडियो है तो वो बनाई हुई थी मैंने, बट यूट्यूब इज़ पब्लिक राइट, आई कॉन्ट शेयर माई फैमिली, जब टाइम कभी आएगा तो शेयर करेंगे। तो जब मैं फैमिली के साथ आया था तो मैं यहाँ रुका था, रत्ना प्रभा फार्म इधर। हाँ
भाई लोग दो बार आईफोन से ट्राई किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है। तो अभी GoPro में ये लगा के माइक को करते हैं। और ये मैं हूँ अतुल, और ये है भैया जो हमें लेके आ रहे हैं कॉलेकल राइड पे, ये है विवेक, और ये अपने ड्रोन्स, और वहाँ पे रखी अपनी गाड़ी। ठीक है, काफ़ी दूर है, दिख नहीं पाएगा क्योंकि GoPro के अंदर जूम नहीं होता है। तो होपफुली आप लोगों को अच्छा लगेगा ये, और बस मज़ेदार चीज़ है, करते हैं। और बाकी देखो ये पूरा जो रास्ते का है, आपको सिनेमैटिक दिखाएंगे इसके बाद हम लोग। तो बस एंजॉय करिए, ड्रोन शॉट। ठीक है भाई लोग, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ इनका थोड़ा सा व्यू है, होपफुली आपको अच्छा लगेगा। तो भाई लोग की पूरा आइलैंड है, आप देख सकते हो हम लोग इधर ऊपर बीच में आए हुए हैं, इधर ही वाटर है। तो बस चलते हैं फिर, अभी एक शॉट लेते हैं ड्रोन से। खत्म। पेड़ पौधे हैं यहाँ पर, और फिर चलते हैं वापस। भाई लोग इसी के साथ अपने को यहाँ से देखो, हम लोग वैसे कोरिकल राइड से गए थे, फिलहाल ये कुत्ता एकदम सो रहा है मस्त तरीके से, वहाँ पे घोड़ा आराम से बैठ घाट खा रहा है। बाकी अंकल जी देखो नदी को पार करते हुए जा रहे हुए हैं, तो इतना डीप नहीं है, अगर आप जाना चाहते हो इस जगह पर आने के बाद तो आप जा सकते हो, प्रोवाइडेड आप इसी जगह पर हो जैसे कि अंकल जी जा रहे हैं, आप भी सकते हो सामने की तरफ। चलिए फिर इसी ब्लॉग को। ठीक है भाई लोग, आप लोगों ने देखा फिर ये अच्छा जो कबनी बैक वाटर है, कबनी सफारी के बाद अभी हम लोग निकल रहे हैं कुर्ग के लिए। तो वहाँ पे हमारा इससे बहुत ही प्यारा है, तब तक के लिए बने रहिए। और बाकी जो कुर्ग में जाएंगे हम लोग एक्टिविटी करने के लिए तो वो दिखाएंगे, तो काफी लंबी सीरीज है, बट बने रहिए, अच्छा लगेगा आप लोगों को। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, थैंक यू। तो भाई लोग दो बार आईफोन से ट्राई किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है। तो अभी GoPro में ये लगा के माइक को करते हैं। और ये मैं हूँ अतुल, और ये है भैया जो हमें लेके आ रहे हैं कॉलेकल राइड पे, ये है विवेक। घुमा थोड़ी ना, घंटे गिनना है हमारे साथ, और घंटे से दौड़ा रहा है, ये रिक्रूटमेंट होना था नेचर ड्राइवर का, कि हमें ड्राइविंग रिक्रूटमेंट हो गया थोड़ा का पूरा। हरियाणा रोड पे है, हरियाणा रोड पे, हरियाणा रोड पे लेके जा रहा है।
Thank you.